माध्यम से देखा किस तरह से खान सर यानी मजिस्ट्रेट साहब इन लोगों को बुलाने आए कि चलिए शिक्षा विभाग के अधिकारी आपसे बात करेंगे। आइए निकुपाल जी हमारे साथ है, अभी तुरंत ये आए हैं मिलके, इनसे पूछते हैं क्या कुछ वहाँ पे बात हुई है। निकुपाल जी आप गए मिलने, क्या कुछ बात हुई आप? सर हमारे जो विभिन्न बिंदुओं था उस पर हम लोगों ने उस बिंदुओं पर बात रखा, मैं गया था और मेरे साथ सिद्धार्थ सर थे, हालांकि क्वेश्चन जो था वो मैंने ही किया था शुरू से लेकर के लास्ट तक। सिद्धार्थ सर हमारे साथ थे, बोले कि आप इमोशनल हो जाते हैं तो आप ही सवाल पूछिए, और मैंने इमोशनली तरीके से उनसे बहुत सारे बिंदु पर बात किया, जैसे कि मैंने बोला कि सर हमारा नोटिफिकेशन जो है वो यथाशीघ्र जारी होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है जो आप छठे चरण का जिक्र कर रहे हैं उसको समाप्त कीजिए, क्योंकि ये एक लेटर है जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी भी और आपका अधिसूचना में भी लिखा हुआ है कि छठे चरण को पूर्ण रूप से समाप्त मानी जाती है। तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा बात नहीं है, छठे चरण को तो समाप्त माना गया है, लेकिन जहाँ पर एक बार भी मतलब नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग नहीं की गई है, जहाँ पर चुनाव नहीं हुआ वहाँ तो अलग बात है, लेकिन जहाँ पर हो सकता है हम लोग करेंगे, लेकिन सातवां चरण इससे बाधा आपको नहीं होगी। 1.5 महीना का समय लगेगा, लेकिन हम आपको 2 महीना का टाइम देते हैं, ऑनलाइन भी होगा, सेंट्रलाइज होगा, डोमिसाइल होगा, और इनके अलावा जो उम्र सीमा है उस पर बोले कि हम विचार कर रहे हैं, लेकिन हम आश्वासन पूरी तरीके से 100% नहीं दे सकते हैं, जो नियमावली हम उसे बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप लोग रखे हैं इस मुद्दा को तो इस पर भी बात करेंगे। यानी उम्र सीमा छोड़ के बाकी जो भी आपके मांगे थे उन पर सरकार सहमत है? जी उम्र सीमा पर भी सहमत है, लेकिन बोले कि ये हम अपने बड़े जो मतलब शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे भी हम लोग बात विचार करेंगे तो इस पर रखेंगे, ऐसा नहीं नहीं माने हैं। और सबसे जो बड़ी मुद्दा है ना सर, हम उनको बोल दिया कि सर यहाँ तक तो आप हमें आश्वासित कर दिए, लेकिन हम मरे हुए हैं हमको क्या मारिएगा, डराइएगा बात, मतलब नहीं डरेंगे, जेल में डाल दीजिए, लेकिन आज की आज एक लेटर जारी कीजिए, नोटिफिकेशन नहीं तो कम से कम शेड्यूल तो जारी कीजिए। तो उन्होंने बोला कि बाबू शेड्यूल अगर हम जारी करते हैं तो उस पर काउंसलिंग का डेट भी होता है, तो शेड्यूल भी जारी नहीं कर सकते। तो हमने बोला कि सर फिर तो हम वही बैठेंगे, तो खान सर का आदेश दिया गया है कि वहाँ से हटाया जाएगा, तो मैंने भी बोला कि अगर जेल डालिएगा तो डाल दीजिए, लेकिन किसी कीमत पर हम हटने वाले नहीं है, क्योंकि 20 दिन रह गए तो 40 दिन भी रह सकते हैं, और हम लोग के क्या नुकसान कीजिएगा, हम तो पहले से ही समाज में बेरोजगार हैं। रही बात प्रतिष्ठा के तो रोड पर है, ये भी नहीं है कि हम कोई अधिकारी हैं, तो एक शेड्यूल जारी कीजिएगा तो हम लोग चले जाएंगे, अन्यथा वहीं बैठे रहेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि शेड्यूल अगर नहीं देंगे तो एक लेटर आपके जारी कर देंगे आज शाम तक, और लेटर में जिक्र रहेगा कि कब तक हम लोग नोटिफिकेशन देंगे, और विभिन्न जो बिहार के 38 जिला के हैं वहाँ से रिक्तियाँ मांगी जाएगी, और उसके बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप लोग छठे चरण को लेकर के चिंतित नहीं रहिए, सातवें चरण पर पूरे काम हो रहा है, और विश्वास रखिए ये दीपक कुमार सिंह बोल रहे हैं, उन्होंने ये बात बोली। अच्छा एक बात बताइए, क्या विश्वास हुआ है आपको? विश्वास की बात नहीं, अगर लेटर जारी होगा तो जाएंगे, विश्वास क्या होता है, 3 साल से तो विश्वास। हाँ रवि प्रकाश सर भी थे और काफी वो भी संतुष्ट हुए हमारे से, बोले कि मिकुपाल जी से तो हम 6 दिन पहले भी मिले हैं और फिर ये दोबारा आज मुलाकात है, तो कोई बात नहीं हम बात करते हैं इनसे और हम इनके बात से सहमत हैं, हम आज एक लेटर निकाल रहे हैं, मैंने उनसे भी इनसे और हम इनके बात से सहमत हैं, हम आज एक लेटर निकाल रहे हैं, मैंने उनसे भी बोला कि अगर लेटर आप नहीं निकालिएगा तो भूल जाइएगा सर कि हमसे आपकी मुलाकात हुई है, हम पटना के गर्दनी भाग में अपने धरना स्थल पर उपस्थित रहेंगे। नोटिफिकेशन एक शेड्यूल के तौर पर एक सूचना होगा, एक सूचना जो सूचना में दिया गया है कि एक डेट जारी होगा तिथि, अगर तिथि जारी होता है तो हम लोग गर्दनी भाग छोड़ देंगे, अगर तिथि जारी नहीं होता है हमारा कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहेगा, किसी पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं, अगर लिखित रूप से मिलता है तो हम आगे भी दिखा सकते हैं कि माननीय महोदय आपका यह सूचना है और आप इस पर खड़े नहीं उतरे हुए हैं, हम आगे के लिए बाध्य हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। Done.